क्वेश्चन नंबर 23, शुगरकेन का जूस है ये। हाँ, क्वेश्चन में ना तो शुगर केन दिखाई देगा ना जूस दिखाई देगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इसी कहानी का पार्ट है। आई फ्लाई में इसी तरीके से हम समझते हैं कि कैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स हमारे डेली लाइफ से एसोसिएटेड हैं। अक्सर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो पढ़ाई वाली बातें हैं ये केवल किताबों तक सीमित हैं। जैसे अगर कभी मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करता हूँ या मैं टीसी की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में केवल किताब के डायग्राम आते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में से कोई बात समझ नहीं आती। जबकि रियलिटी ये है कि वो सारी की सारी पाथवे मेरे शरीर में इस टाइम भी चल रही हैं और हमेशा चलती हैं, और इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो। इस बोलने और सुनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये कार्बन मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म की साइकिल ही कर रही हैं हमारी सेल्स के अंदर। और ये रिलेशन जब हम समझना शुरू कर देते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि आलू का पकौड़ा बनाओगे या आलू की रोटी, आलू की रोटी का मतलब बिना गेहूं के आटे के, तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें किसी किताब में जाके ढूंढना होगा? इस क्वेश्चन को तुम आसानी से जानते हो। जो जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अवेलेबल हैं और आसपास हैं उनके बारे में तुम बहुत आराम से बात कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ रिविज़न नहीं करना पड़ता कि रोटी खाने के लिए तरीका क्या था, चावल खाने के लिए क्या तरीका था, इसके लिए कोई रिविज़न नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे डेली लाइफ का पार्ट है और ये मेरा माइंड सेटअप है कि ये डेली लाइफ मतलब अंडरस्टैंडेबल। आई फ्लाई में हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में यही समझते हैं कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को भी अपनी डेली लाइफ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और तब ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस ना हो। अगर ग्लाइकोलिसिस आलू है या फिर गन्ने का जूस की कहानी है तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी आसान है और मैं उसको आराम से याद भी रख सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ATP और सिट्रेट के लेवल को एरिथ्रोसाइट के अंदर बढ़ा दें एकदम से तो ग्लाइकोलिसिस पे क्या होने वाला है? देखो, यहाँ मैं इतना समझा दूँ कि एक तो इस क्वेश्चन का हम सीधा सीधा सॉल्यूशन देंगे बिना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किए, और एक हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करेंगे जिससे कि कई स्टूडेंट जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो कंफ्यूज भी आते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ट्यूटोरियल ले लें। ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पाइरूवेट को बनना होता है, और इस पूरे स्टेप के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिनका रेगुलेशन है। ये एंजाइम कब काम करेंगे और कब काम नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, और ये एंजाइम को अगर सिट्रेट दिया जाए या ATP दिया जाए तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर ATP और सिट्रेट की मात्रा अच्छी खासी है तो ये प्रोसेस मेरी ब्लॉक हो गई। सिमिलरली ATP पाइरूवेट काइनेज को भी ब्लॉक कर सकता है और एलानिन। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, कभी सोचा इस बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एलानिन क्या कर रहा है? हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की, भला ग्लूकोज को पाइरूवेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पाथवे पे एलानिन क्या काम करेगा? तो आप अगर एलानिन के डायग्राम आप याद रखते हो अमीनो एसिड का, तो आप जानते होंगे कि एलानिन में NH2CH COOH और CH3 है, ये एलानिन का डायग्राम है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन कर दूं, मतलब इस ग्रुप को हटा करके यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दूं, ये मेरा पाइरूविक एसिड है। इस तरह की बहुत सारी बातें बायोकेमिस्ट्री में कॉमनली देखने को मिलती है, और तब समझ में आता है कि बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, हर बार का एक ट्रेंड है कि एग्ज़ाम के अंदर इनहिबिशन की बात होती है, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पिक किया हुआ है कि किस पाथवे में किस इनहिबिशन की जानकारी हमें लेनी है। ग्लाइकोलिसिस में भी हम लोग स्टेप याद नहीं करते, हम केवल वही याद करते हैं जो एग्ज़ाम में आना चाहिए या आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। और इसीलिए आई फ्लाई की आई क्लासेस एक्चुअली में स्मार्ट क्लासेस हैं। क्या अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या अभी भी कोई कन्फ्यूज़न बाकी है कि ATP के लेवल और अगर सिट्रेट के लेवल में आगे बढ़ा दूँ, हाई कर दूँ, तो क्या होने वाला है? बट वैसे कि मेरी ग्लाइकोलिसिस पाथवे इनहिबिट होने वाली है। याद रखिएगा, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के लिए इनहिबिटरी होते हैं उन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि उल्टी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना और पाइरूवेट से वापस ग्लूकोज बनने को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो मॉलिक्यूल इनहिबिटर हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेटर हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एक खास बात है, जैसे ये लकड़ी तो आपने जलती हुई देखी होंगी, ये जो लपटें निकल रही हैं ये हीट है, और ये हीट वो एनर्जी है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में होती है। याद रखिएगा, लकड़ी सेलुलोज है, सेलुलोज बना हुआ है ग्लूकोज से, हालांकि ग्लूकोज डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ऐसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ मुझे मिलती है एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है ये देख लो, ये लपटे। तो अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं एक साथ बर्न करूँ
जैसे कि हम लकड़ी के काम में करते हैं, तो ये जो लपटें निकल रही हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, सिंगल स्टेप कम्बशन में निकल रही होती हैं। जब आप आई फ्लाई क्लासेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हो तो आप इस रेलिवेंस को समझते हो कि क्यों मल्टीपल स्टेप्स चाहिए, क्यों एंजाइम का रेगुलेशन चाहिए, क्यों ग्लाइकोलाइसिस है, क्यों टीसीए है। और तब आप इन लकड़ी की आग को कोरिलेट करना शुरू करते हो उस मेटाबॉलिक एनर्जी के साथ जो आपके शरीर के अंदर बन रही है। एक सिंपल तरीके से हम सीख लेते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकाली जाती है कि मेरा शरीर जल ना जाए। देखिए, याद रखिएगा कि एक चम्मच ग्लूकोज को अगर मैं सडनली जला दूं वन स्टेप कम्बशन रिएक्शन में, तो जो उससे हीट निकलने वाली है वो मेरे टिश्यू को आग लगा देगी। अगर मैं अपने हाथ के ऊपर ग्लूकोज को एक चम्मच पाउडर रख करके और उसको कहूँ कि बर्न हो जा सिंगल स्टेप में, तो जो मेरा हाथ का स्किन है वो बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन जब यही एक चम्मच ग्लूकोज मैं खाता हूँ, तो याद है जान में जान डाल दे पीते ही, तब मेरे शरीर में आग नहीं लगती, लेकिन उसी से निकली हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरा मेटाबॉलिज्म काम करता है। सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूट नाम के ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है, और अंदर आने के बाद जो पहली पाथवे वो करता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें करीब 2 ATP मिल जाते हैं और 5 ATP के लायक इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं NADH के रूप में। पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और यहाँ भी मुझे ATP बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और फिर बचे हुए एसिटाइल कोएंजाइम A में से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहानी लिबरेट होती है, और इसमें से सबके सब इलेक्ट्रॉन निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ATP जनरेट करता है। हम लोग कहते हैं कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न करने पर हमें 30 या 32 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी इकट्ठे एक बार में नहीं मिलती। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ निकाल ली हमने, थोड़ी सी एनर्जी हमने यहाँ निकाल ली, और फिर हमने एनर्जी बाकी बची कुछ ही जो है TCA में निकाल ली। तो इस तरीके से मल्टीपल लेवल पर हम धीरे धीरे करके एनर्जी निकालते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको चाय बनानी है और आपके पास गैस का सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर को आप नॉब खोल लीजिए, सारी गैस को अपने रूम में भर लीजिए, और फिर आप तिल्ली सुलगाइए कि आपकी चाय बन जाए, तो क्या चाय बनेगी? नहीं, सारी गैस एक धमाके के साथ फट जाएगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, घर की धज्जियां उड़ जाने वाली हैं, बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है, लेकिन चाय नहीं बनने वाली इतनी एनर्जी खर्च करने के बावजूद भी, क्योंकि आपने वो एनर्जी एक झटके में लिबरेट कर दी। लेकिन उसी सिलेंडर को जब हम लोग अपने चूल्हे के साथ जोड़ करके हर रोज सिलेंडर के नॉब को ऑन ऑफ करते हैं, थोड़ी थोड़ी गैस निकालते हैं, तो थोड़ी थोड़ी गैस से हम यूजेबल फॉर्म में एनर्जी को ले लेते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। वही जो एक धमाके में एनर्जी निकली थी, अब उस एनर्जी को हम स्लोली रिलीज कर रहे हैं अगले एक महीने तक, और वो एक सिलेंडर एक महीने तक मेरी चाय बनाएगा, डिपेंड कि मैं चाय कितनी बना रहा हूँ, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो सेम ऐसे ही मेरी जो ग्लाइकोलाइसिस और कहानी है TCA की, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को टुकड़े टुकड़े में एनर्जी निकालती रहती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालना हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे एनर्जी निकालनी पड़ती है, वरना जो उससे एक साथ मिलने वाली एनर्जी है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। क्या अब रेलिवेंस समझ में आया इस इमेज का कि ये गन्ने का जूस क्यों है? याद है गन्ने का जब हम जूस पीने जाते हैं तो वहाँ जो गन्ने वाला होता है वो उस गन्ने को पहली बार इस मशीन में डालता है, खूब सारा जूस निकल के आता है, छोड़ता नहीं है उस गन्ने को, वो उस गन्ने को मोड़ तोड़ के फिर डालता, फिर और जूस निकाल लेता है, फिर भी नहीं छोड़ता, 3-4 बार उसमें से जब तक पूरा जूस ना निकल जाए वो कोशिश करता रहता है उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एक्सट्रैक्ट करने की। हमारा मेटाबॉलिज्म भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। हमारे मेटाबॉलिज्म में जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास आया उस मॉलिक्यूल को हम लोग एंजाइम्स वाली पाथवेज में पीसते जा रहे हैं ताकि उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। बस कहानी थोड़ा सा फर्क ये है कि गन्ने के जूस में जो सबसे पहली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस वाली कहानी, जो ग्लूकोज वाली कहानी है, इसका जो लास्ट स्टेप है TCA, वो है जहाँ खूब सारी एनर्जी बाहर निकल के आती है, ग्लाइकोलाइसिस में कम एनर्जी मिलती है। 32 ATP में से केवल 2 ATP हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में मिलेंगे, बाकी बचे हुए 30 ATP जो हैं वो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब जो मैं बात कर रहा था पोस्टमार्टम की, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो भी कहानी दी है वो एरिथ्रोसाइट के लिए दी है। एरिथ्रोसाइट और नॉर्मल सेल्स में एक फ़र्क है, याद है जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एरिथ्रोसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एरिथ्रोसाइट जब मैच्योर हो रही होती हैं, ये बोन मैरो के अंदर होता है सारा काम, तो तब तक तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट जब मैच्योर हो चुकी है RBC रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता, केवल ये एक खाली पैकेट है, मेम्ब्रेन का पैकेट, जिसमें ठक ठक करके एंजाइम्स भरे हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस के, और इसमें मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं हीमोग्लोबिन। इस पैकेट का केवल एक पर्पस है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, और इस सेल को अपनी मेंटेनेंस करने के लिए, उन प्रोटीन्स को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए केवल ग्लाइकोलाइसिस का ही सहारा है। RBC के अंदर केवल ग्लूकोज टू पाइरूवेट तक की स्टोरी है। कई बार ये जानकारी हमें क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज भी कर देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट,
क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती, इसके अंदर डीएनए नहीं होता, ना ट्रांसक्रिप्शन, ना रेप्लिकेशन और ना सेल डिवीजन, जस्ट एक खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पैकेट। आई फ्लाई की क्लासेस का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि हर चीज़ को आपको एक रेलिवेंस दे दें, ताकि जब आप नॉर्मल लाइफ के साथ कोरिलेट करोगे तो चीज़ों को समझना और उनको सॉल्व करना आसान होगा। ये क्लासेस स्काइप पर होती हैं, क्लासेस सातों दिन अवेलेबल हैं, जो लोग वीक में कुछ दिन क्लास करना चाहते हैं वो कुछ दिन क्लास कर सकते हैं, और जो पूरे वीक में हर रोज एंगेज होना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो 9013902981 पर, बाकी हम गाइड कर लेंगे कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। और आप इन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर जो कोई भी तुम ग्रुप इस्तेमाल करते हो। अपने क्वेरीज के लिए झिझकना मत, जब आप अपने क्वेरीज को निकाल के लाते हो तो आंसर्स मिलते हैं, और हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको ना पता हो वो चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएं कि चीज़ें ऐसे भी होती हैं। हम लोगों का काम कैटलिस्ट की तरह ऐसे नहीं है, हम वो कैटलिस्ट की तरह आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जो ना सिर्फ आपको टूल्स प्रोवाइड कराता है कि कैसे आपको तेज आगे बढ़ना है, बल्कि हम विचारों में बदलाव भी लाते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलते हैं। और अगर पढ़ाई में लाइफ का तड़का लग जाए तो फिर पढ़ने की बात ही क्या है। इंडियन बेस्ट पढ़ाई तभी होती है, और एजुकेशन का इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब वो और मेरी ज़िंदगी दोनों आपस में मिलकर के हैदराबादी बिरयानी बन जाते हैं। थैंक यू।